हेलो गाइज, मैं हूं सौरभ और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की फ्यूचर के बारे में। क्या आपको पता है कि साल 2021 में डिजिटल मार्केटिंग की फ्यूचर कैसी होने वाली है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो। लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो में मैंने पूरी अच्छी तरह से समझा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, यहाँ पे कौन कौन सी बेस्ट करियर ऑप्शंस है और डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। इन सभी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो पहले आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करो, फिर लास्ट में एंड स्क्रीन के माध्यम से उस वीडियो को भी देख लेना। तो भाई देखो, जब से हमारी इंडिया डिजिटल हुई है तब से इंटरनेट यूजर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसमें थोड़ा सा क्रेडिट जियो को भी जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट थोड़े से आज सस्ते हो चुके हैं और जिसकी वजह से आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज करें। लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर ही देते हैं, चाहे लोगों से बातें करना हो गया, शॉपिंग करना हो गया, या फिर सीखना हो गया, या फिर सिखाना हो गया, सभी काम इंटरनेट के माध्यम से ही लोग करते हैं, या फिर यहाँ तक कि लोग अपनी फीलिंग्स को भी इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के इमोजी डाल दिया तो मतलब सैड है, और इस तरह के इमोजी डाल दिया तो मतलब खुशी है, गुस्सा है। अलग अलग तरह के इमोजीज के माध्यम से लोग अपना फीलिंग्स शेयर करते हैं ना। यार थोड़ा सा बुरा मत माना ये इमोजी वाला एग्जांपल दे तो, ठीक है। तो यार देखो, अपनी फीलिंग्स यहाँ तक कि लोग इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते हैं। अब यार बात करते हैं कि देखो यार, लोग इंटरनेट को तो यूज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में और बहुत तेज़ी से इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं। लेकिन यार इंटरनेट यूजर्स तो बढ़े हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग जो हैं उनमें से कुछ परसेंट ही लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से लोग पैसे कमा रहे हैं। कम ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेट के माध्यम से पैसे भी कमा रहे होंगे, लेकिन यार ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरनेट पे अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो भाई सोच सकते हो कि हमारी इंडिया डिजिटल फील्ड में कितनी ज़्यादा तरक्की कर रही है और आने वाले टाइम में आगे पता नहीं कितनी ज़्यादा तरक्की करेगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। तो अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, अभी आपके पास एक मौका है, तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दो। तो यार अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की फ्यूचर के बारे में। तो यार देखो, एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया था कि साल 2015 में इंटरनेट मार्केटिंग की इंडस्ट्री लगभग 40 से 50 बिलियन की ही थी, और साल 2019 के आते आते इसमें 3 गुना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, और आज की डेट में ये इंडस्ट्री 160 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब यार ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2024 के आते आते इंटरनेट मार्केटिंग की इंडस्ट्री 500 बिलियन यानी 500 बिलियन को भी क्रॉस करने वाली है, इससे भी ज़्यादा होने वाली है। तो सोच सकते हो यार कि इंटरनेट मार्केटिंग कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ इंडिया की, तो हर साल सिर्फ इंडिया में 20 से 25% यानी 20-25% तक इसकी ग्रोथ बढ़ती है हर साल। तो भाई अब अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2021 में डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री लगभग 190-200 बिलियन आराम से क्रॉस कर सकती है। तो आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। तो यार अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, इस अवसर में आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, अभी आप डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको नॉलेज लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप इसके बारे में पूरी नॉलेज लो पहले, उसके बाद इस पे काम करो। और भाई मैं जैसा कि सारे वीडियोस में आप सभी को बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, यहाँ पे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो पहले आप इसे एज अ पार्ट टाइम के रूप में ही करो, इसे अपना फुल टाइम पहले मत बनाओ। आपका जो फुल टाइम करियर का जो काम चल रहा है उसे आप करते रहो, एज अ पार्ट टाइम के रूप में आप डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करो। पहले आप इसके बारे में पूरी नॉलेज लो, पूरी ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप इस पे काम करो। इसमें सबसे बड़ी चीज है नॉलेज लेने की, आपको यहाँ पर नॉलेज लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो जैसे जैसे नॉलेज आपकी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप यहाँ पर ग्रो करते जाओगे, और अगर आप यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रो कर लेते हो तो फिर
आप डिजिटल मार्केटिंग को अपना बिजनेस भी बना सकते हो और एज अ फुल टाइम करियर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनकम की बात करें तो इनकम की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आराम से आप महीने के हजार लाख या फिर करोड़ों तक की भी अर्निंग कर सकते हो। मैंने आपको बोला कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन यार जो मैंने बोला हजार लाख या करोड़ों कमा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है मैंने बोल दिया तो यार बहुत ही आसान है, बहुत ही हार्ड है भाई। मैंने जैसा कि आपको बोला कि पहले आपको नॉलेज लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो आपको पहले नॉलेज लेना है। तो भाई बस यार आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को ये अच्छी तरह से समझा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर 2021 में कैसी होने वाली है। तो यार अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप इस अवसर को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने देना। तो भाई बस यार आज के इस वीडियो में बस इतना है, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिलेगी। तो प्लीज यार वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि आपको हमारे आने वाले अगले न्यू एंड इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज के नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोज को तुरंत से तुरंत देख पाओ। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।